इतिहास, वास्तुकला एवं फोटोग्राफी, अगर आप इन तीनों में से किसी भी चीज़ के शौकीन हैं तो आपको यहाँ यानी जयपुर से अच्छी जगह नहीं मिल सकती। जयपुर यानी जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं, ये राजस्थान की राजधानी भी है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी रजवाड़े में प्रवेश कर गए हैं। शाही साफा बांधे हुए जयपुर के पुरुष बंधेज और लहरिया लहंगा चुनरी में सजी नारियां। सारंगी की मधुर ध्वनि, छोटे बड़े महल हवेलियां और किले, इनकी अनेक कथाएं राजाओं महाराजाओं के अनगिनत गाथाएं और इन सबसे ऊपर राजस्थान की मीठी बोली, पधारो मारे देश। तो चले थोड़ा सा जयपुर घूम के आते हैं। बस यूं ही बेवजह बेपरवाह बेतरतीब, बस यूं ही आज बंजारा बनकर घूमते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल साइट्स इन जयपुर इज द ब्यूटीफुल जल महल और लेक पैलेस। और ये जल महल मानसागर झील के बीचों बीच बना है। और सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ की ये है कि यहाँ प्रवासी पक्षियों की झलक जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। सिंगल में फोटो बनवाई है, 150 का बनाते हैं, 150 का, 150 ऐसी ड्रेस वे सब देंगे आपको। और पलटो कितनी देर में बन जाएगा? 5 मिनट में करके फिर लगाते हैं, घूमने लगी हुई है ड्रेसें सारी। क्या नाम है तुम्हारा? ये वाला कैसे? ये 150 जो काम घूमने का।
कैसे बनाते हो भैया? 300 रुपए में। पापड़ है? पापड़ मसाला डाल के। अरे मेल तो आएगा पूरा, इधर से भी आएगा। देखो बॉयज, हेलो, ये हाथ लक पे रखना है बेटा। इधर देख छोटू, किधर भी देखना है अंकल, किधर भी देखना है अंकल, किधर भी देखना है। और अगर आपने राजस्थानी पोशाक में पोज नहीं मारा, फोटो नहीं खिंचवाई, तो फिर क्या किया? आप इनको देखो बड़ा है, बड़ा साइज है। हाँ और भी है, ले लो बड़ा, ये तेरा नंबर है। आगे रखो ऊपर, ये 250 के वाले बड़े वाले। हाँ ये अच्छा, ये आ जाएंगे आपको, वो भी आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा होगा। हाँ ये ज़्यादा। थोड़ा मानसागर झील पे सैर करते हुए उसे एक टक देखते, चार मंजिला पानी के अंदर एक मंजिला पानी के ऊपर बने इस जैन महल को निहारते हैं। चांदनी रात की चांदनी और सूरज की चमक में निखरा ये जैन महल अद्भुत अनोखा है। कल यहाँ एक झलक जिंदगी की दिखी, वो राहों पे मेरे गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा इधर उधर, वो आंखें मिचौली करती मुस्कुरा रही थी। कल मुझे एक झलक जिंदगी की मिली, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। बीते समय के अनेकों किस्सों को कहने वाली ये माथे की सिलवटें बेफिक्री से धुएं में उड़ा रही थी। कल मुझे जिंदगी मिली, वो आंख मिचौली करती मुस्कुरा रही थी। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।